आगे कि ये एक समस्या स्थानीय समस्या है। क्यों ना सब्जी मंडी में जाके देखें कि सब्जियां और फल क्यों सड़ रहे हैं? क्या तापमान वजह है? क्या आर्द्रता वजह है? क्या हमारी लापरवाही या रखने में? ठीक है, तो क्या वजह हो सकती है? ये एक स्थानीय समस्या होगी। और इस स्थानीय समस्या को लेकर ये कैसे होगी? जब वो फील्ड में उतरेगा, सब्जी मंडी जाएगा, लोगों से बात करेगा, फल विक्रेता से बात करेगा, सब्जी विक्रेता से बात करेगा, उनका इंटरव्यू लेगा, एक सर्वे तैयार करेगा, एक क्वेश्चनेयर तैयार करेगा, ओके ये बताइए आपके लिए ये है, ये प्रश्न है, आप बताइए इसमें आया नाम होगा दीजिए। तो जब भी आप सर्वे करने जाए, अभी मैं टेक्निकल इशू में और रिटेनमेंट इशू से होगा, तो जब भी आप सर्वे करने जाए एक क्वेश्चनेयर बना के जाए और वो क्वेश्चनेयर में प्रश्न इतने सिंपल हो कि कोई इलिटरेट पर्सन जो कुछ नहीं पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, वो भी उसका उत्तर हाँ या नहीं में दे पाए। जब भी आप बड़े उत्तर पूछेंगे ना, कोई जवाब नहीं देगा, हम आप नहीं देते, हम आप प्रबुद्ध वर्ग होके बड़े उत्तर नहीं देना चाहते, अभी हमसे कोई प्रश्न भरने को कह दिया जाए हम आप से, ठीक है, और जहाँ पे चार लाइन से ऊपर के उत्तर हो तो हम सब लोग पीछे हटना चाहते हैं, अपनी जगह भर देने का, ठीक है। तो जब भी आप प्रश्न तैयार करें उसके प्रश्न इतने सिंपल और छोटे हों का स्वरूप किस तरह से हो, ये चार पांच पॉइंट थे। इनोवेटिव, सिंपल एंड प्रैक्टिकल होना चाहिए। इट शुड रिप्रेजेंट टीम वर्क। थर्ड, इट शुड बी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। फोर्थ वन इज इन्वॉल्विंग फील्ड बेस्ड डाटा कलेक्शन। ये चार बातें मैंने आपसे डिस्कस की। अब ये जो कह सकते हैं जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया या जो भविष्य में प्रोजेक्ट बनाएंगे उनके तीन पार्ट या चार पार्ट होते हैं। पहला एक होता है रिटर्न रिपोर्ट, जो फाइल तैयार होगी, ठीक है, फाइल तैयार होगी, उनमें कौन कौन से पॉइंट होंगे और किन किन स्टेप्स में किन किन चरणों से, क्योंकि हायरार्की तैयार होगी कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो एक रिटर्न रिपोर्ट तैयार की जाती है। जो भी रिटर्न रिपोर्ट तैयार की जाएगी उसका जो क्रक्स है, उसका जो निचोड़ है, वो निचोड़ हम अपने उसके लिए सारांश तैयार करेंगे और वही सारांश अपने हम 8 मिनट के ओरल प्रेजेंटेशन में या बात नोट कर लें कि एक तो हमारा रिटन रिपोर्ट तैयार होगी, दूसरा ओरल प्रेजेंटेशन होता है जो 8 मिनट का होता है जिसमें 6 मिनट बच्चे को अपनी बात, अपने प्रोजेक्ट को, लघु परियोजना को क्या बनाया है, समस्या क्या थी, समस्या क्यों चुनी, समस्या का वो किस प्रकार समाधान किया गया, मेथोडोलॉजी हो जो उसकी है, आपने उसको सर्वे किया, उसका रिजल्ट निकाला, उसका कंक्लूजन निकाला, ठीक है, कंक्लूजन निकलने के बाद जो भी परिणाम आए आपके, ठीक है, परिणाम का समाज पर क्या इफेक्ट हुआ, ये भी तैयार करेंगे और भविष्य की योजनाओं में किस तरह से इस प्रोजेक्ट को और फर्दर मॉडिफाइड किया जा सकता है, फर्दर बढ़ाया जा सकता है और अच्छा किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। देखिए समय बहुत कम होता है, आज हम लोग लगभग अगस्त के एंड पे हैं, ठीक है, और लगभग 1 महीने का समय आपके पास है, बीच में त्यौहार है, वसंत और रजिस्टर करते ही हैं, तो 1 महीने के अंदर आपको प्रोजेक्ट पर पूरी तरीके से आपको फाइल भी बना लेनी है, आपको प्रेजेंटेशन भी तैयार करा लेना है, आपको चार्ट पेपर, चार चार्ट पेपर भी बनने होते हैं। तो पहला मैंने बताया आपको कि रिटर्न रिपोर्ट तैयार करनी होती है, ये रिटर्न रिपोर्ट जूनियर के लिए लगभग दोनों के लिए 25 से 30 पेजों का वेरिएशन होता है, 25 से 30 पेज की एक फाइल आपको तैयार होती है, ठीक है, और इस 25-30 पेजों में लगभग 2500 शब्दों का इस्तेमाल जूनियर ग्रुप के लिए, जूनियर ग्रुप के लिए 2500 शब्द 2500 शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए और सीनियर ग्रुप में ये जो है वो 3500 शब्द आप शब्दों में अपनी परियोजना को लिखेंगे। तो रिटर्न रिपोर्ट जो होगी हमारी वो 25 से 30 पेजों की 2500 शब्दों के लिए शब्द जूनियर वर्ग के लिए और 3500 शब्द लगभग सीनियर वर्ग के लिए ये अलॉटेड है। आप A4 साइज के पेपर लेंगे, बहुत कलरफुल, बहुत ऐसे हो जो बहुत अट्रैक्टिव हो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स अ टोटली थॉट बेस्ड प्रोग्राम। आपके विचार कितने अच्छे हैं, आपकी परियोजना किस तरह से समाज को पूरी तरीके से प्रभावित कर सकती है, कितना लाभ पहुंचा सकती है, हम उस थीम को देखते हैं,
मार्केट फाइल की ब्यूटी को नहीं देखते कि आपने कितनी सुंदर फाइल बना के लाए। कई बार से मैं इस कार्यक्रम को देख रहा हूँ और जज की भूमिका में कई बार बड़ी निराशा होती है कि मार्गदर्शक शिक्षक जब बच्चे की फाइल देखते हैं तभी नहीं बताते कि बच्चे ब्यूटिफिकेशन पे काम न करो, उसकी क्वालिटी पर काम करो। क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन ब्यूटिफिकेशन। हम बहुत सुंदर फाइल बहुत कलरफुल निकलने यूज किए, हैंडमेड पेपर लगा के ला रहे हैं, ये कुछ लगा रहा है, ठीक है, और उसके बाद उनकी नजर में फाइल हमारी बहुत सुंदर है और हम जब देखते हैं कि कंटेंट नहीं है, फाइल बहुत सुंदर है लेकिन कंटेंट है ही नहीं, मैं उस फाइल को उठा के सीधे किनारे रख देता हूँ, हमको इसकी जरूरत ही नहीं है। तब वही मार्गदर्शक हमसे लड़ने चले जाते हैं, उनकी फाइल देखिए कुछ है उस फाइल में, सिंपल सा है, आप 10 पन्ने में फाइल लिखिए, उनका सिलेक्शन आपने कर लिया और देखिए हमारी फाइल आप किसी को भी दिखा दीजिए, क्या दिखाएंगे, कवर दिखाएंगे ना, कवर ही तो दिखाएंगे दूर से, देखो ये फाइल ये वाली अच्छी है, ये वाली अच्छी है, ठीक, तो कवर पर दिखाइए, कवर के अंदर जो कंटेंट छुपा है हम लोग वो देखने के लिए यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। तो कोशिश होनी चाहिए आपकी जो क्वालिटी वर्क है वो उस फाइल में दिखाई दे और आप जितनी मेहनत करेंगे, कहते हैं कि जितना गुड़ बोलोगे उतना मीठा शरबत होगा, ठीक है, तो हम फाइलों के अंदर उस बच्चे के साथ जितनी मेहनत करेंगे, हमको क्या करना है, अगर काश के रस हमें जो पथ प्रदर्शक का काम करना है, ये बच्चे ये स्टेप ये आपने काम कर लिया, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, बच्चा इतना बड़ा नहीं है कि वो सोच पाए उस ढंग से, आपको स्टेप्स बताने होंगे कि ये इसके बाद ये, इसके बाद ये और इसके बाद ये। जब आप चरणबद्ध तरीके से काम करेंगे और जो हेडिंग्स दी गई हैं अगर उन हेडिंग्स के अंदर काम करेंगे आप, तो डेफिनेटली आपका प्रोजेक्ट जरूर सेलेक्ट होगा, कोई मतलब उसमें बाधा नहीं है, किसी से कोई दोस्ती नहीं, किसी स्कूल से कोई दोस्ती नहीं, किसी टीचर से कोई दोस्ती नहीं, मैं एक सिद्धांत पे काम करता हूँ, जिले का नाम कैसे रोशन हो, और पिछले 7 सालों में ऐसा कोई वर्ष नहीं गया जिसमें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में बस्ती में नेशनल लेवल पर कोई नहीं गया, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे जनपद कई कई 4-4 साल 5-5 साल कोई सिलेक्शन नहीं होता, 1 साल हुआ फिर नहीं हुआ, 2-3 साल फिर हुआ नहीं फिर नहीं हुआ, लेकिन हम पिछले 7 सालों में ऐसा भी कोई वर्ष नहीं गया है जिसमें सिलेक्शन न दिया हो, और पिछले वर्ष तो कह सकते हैं कि मतलब अनोखा ही रहा, सबसे ज्यादा सफलता अगर हम लोगों को मिली है तो पिछले वर्षों में मिली है, पिछले वर्ष मिली है वो कि दो प्रोजेक्ट यहाँ से हम लोगों ने भेजे थे, दो के दोनों का सिलेक्शन राष्ट्रीय स्तर पे हुआ और राष्ट्रीय स्तर के बाद सिलेक्शन होता है इंडियन साइंस कांग्रेस के, इंडियन साइंस कांग्रेस में विदेशों में पढ़ रहे बच्चे भी प्रतिभाग करते हैं, दुबई में पढ़ रहे चलने वाले सीएससी के स्कूल, बहुत सारे बाहर विदेशी बच्चों के स्कूल है उनके बच्चे भी प्रतिभाग करते हैं और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमेशा से प्रधानमंत्री करते हैं। मेरा अपना इस कार्यक्रम से जुड़ने का जो सकते हैं मेन रीजन था, मैं इस कार्यक्रम में कम से कम समय का 2011-12 से जुड़ा हूँ और जुड़ने का एक और एकमात्र कारण एपीजे कलाम साहब, उनको जब मुझे ये पता चला कि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता जिसमें वो स्वयं उपस्थित नहीं होते, राष्ट्रीय कार्यक्रम किसी प्रदेश वाले ने अगर पहले जाके लोगों को प्रस्तुत कर दिया तो वो प्रदेश के कार्यक्रम में भी उपस्थित हो जाते थे, प्रोफेसर जसपाल, ठीक है, ये सब दीज आर द बिग शॉट्स जिनको हम लोग कभी मतलब सामने से देखने की चेष्टा करते हैं, इनसे बात करना इतना अच्छा और सौभाग्य की बात थी और यही वजह थी कि मैं इस कार्यक्रम से लगातार जुड़ा रहा और जब तक एपीजे कलाम साहब की मृत्यु हुई उसके ठीक 1 साल पहले तक जौनपुर में एक कार्यक्रम हुआ था और विश्वास नहीं मानेंगे उनकी याददाश्त को कि बाय नेम बुला रहे थे, अगर वो सामने खड़े होकर देख लिया उन्होंने, मैं और मेरे स्टूडेंट दोनों
सरकार और उनको देख रहे के लिए जो पागलपन बच्चों में सवार था, बच्चों में छोड़ दीजिए टीचर्स, और उन्होंने उस मंच से देख कर बताया यू अरे यू यू में यू में इतनी बड़ी भीड़ में यू यू करेंगे तो कहां से, अरे यू अरविंद